कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव ज्योतिरादित्य सिंधिया इंदौर दौरे पर पहुंचे, जहां इंदौर पहुंचने के बाद ज्योतिरा सिंधिया ने कई नेताओं के घर जाकर उनसे मुलाकात की। यही नहीं, ज्योतिरादित्य ने उनके साथ खाना भी खाया। वही मध्य प्रदेश की सत्ता में एक बार फिर से ज्योतिरादित्य सिंधिया खुद को एक्टिव कर रहे हैं। पिछले एक महीने में कई बार मध्य प्रदेश का दौरा भी कर चुके हैं। वही इस मौके पर सिंधिया के साथ सेल्फी लेने के लिए लोगों की भीड़ जुटी रही। क्या बुजुर्ग क्या जवान, सभी की एक ही चाहत थी कि सिंधिया के साथ एक सेल्फी हो जाए, और इस मौके पर सिंधिया भी पीछे नहीं हटे और लोगों के साथ उन्होंने सेल्फी ली। जब सिंधिया ने मीडिया से बात की तो उन्होंने कहा कि आर्थिक मंदी को लेकर उन्होंने भाजपा सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस का नारा, जब आर्थिक प्रगति होगी तभी देश आगे बढ़ेगा, लेकिन भाजपा की विचारधारा है कि आर्थिक मंदी में देश को डुबाए रखो और अपने एजेंडे पर काम करते रहो। नारा है कि आर्थिक प्रगति होगी तभी देश आगे बढ़ पाएगा, और भाजपा की सोच और विचारधारा है कि आर्थिक मंदी में पूरे देश को डुबाए रखो और अपने एजेंडा पे कार्य करते रहो। मैं किसी वक्तव्य पर कभी टिप्पणी नहीं देता हूँ, लेकिन हमारी देश की सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत है धर्मनिरपेक्षता, उदार विचारधारा। इस देश में सभी धर्मों का स्वागत है और सभी धर्मों का आदर करना हर देशवासी का दायित्व होता है। जिस तरीके से ध्रुवीकरण की सोच और विचारधारा जो लोग रखते हैं, इस देश में सर्वधर्म सर्व संप्रदाय की सोच और विचारधारा सदैव हमें रखनी चाहिए। मध्य प्रदेश से योगेश खरे की रिपोर्ट। नेशन वन की खबरों के अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, पसंद आई वीडियो को शेयर करना ना भूलें, और ज्यादा जानकारी के लिए लॉग इन करें www.nationone.tv पर। अधिक जानकारी के लिए आप हमें ट्विटर, फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो खबरों की ज्यादा जानकारी के लिए बने रहें नेशन वन के साथ।